क्लास का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आर सराउंडिंग। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सराउंडिंग में हमारे बहुत सारे मैटर्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, तो हम आज उसी के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज लेंगे। चलिए, पहला है व्हाट इज़ मैटर। अब मैटर होता क्या है? देखिए, हमारे सराउंडिंग में जितने भी एयर, वाटर, स्टोन, सैंड, क्लाउड्स, पेंसिल, बुक, एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ मैटर। मतलब आपके सराउंडिंग में, या आप कह सकते हो कि आपके आसपास जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं वो सारे किससे बने हुए हैं? मैटर से बने हुए हैं। मैटर इज़ एवरीथिंग इन यूनिवर्स दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। अब जिसका एक मास हो और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो, वो हमारा मैटर कहलाता है। अब कंस्टिट्यूंट ऑफ मैटर क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू द अर्ली इंडियन फिलोसोफर, एवरी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग इज मेड अप ऑफ फाइव बेसिक एलिमेंट कॉल्ड पंच तत्व। अब आप सब जानते हैं पंच तत्व क्या होता है? एयर, हवा, वाटर, पानी, अर्थ, धरती, स्काई, आसमान एंड फायर, आग। ये क्या है? हमारे पंच तत्व हैं। ये लिविंग एंड नॉन लिविंग जो भी चीज़ बनी है, ये सारे किससे बने हैं? पंच तत्व से बने हुए हैं। देयरफॉर मैटर इज अ कंपोजिशन ऑफ दीज फाइव कंस्टिट्यूंट। अब ये मैटर जितने भी हैं, जैसे कि अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया था आपको कि मैटर जितने भी आपके सराउंडिंग में जो भी चीज़ प्रेजेंट है वो सारी की सारी मैटर है। ठीक है, वो क्या होना चाहिए उस मैटर में? अगर हमें मैटर पहचानना है तो उसके दो ही प्रॉपर्टीज़ हैं। पहला, वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। दूसरा, उसका कोई ना कोई मास होगा। तो हमारा जो भी मैटर बनेंगे वो पंच तत्व से बनते हैं, और पंच तत्व का मतलब एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर। ये सारे क्या हैं? कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मास इसका होता है, तो इसलिए ये कंस्टिट्यूंट हैं मैटर के। नेक्स्ट है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अब फिजिकल नेचर क्या है? इज़ मैटर कंटिन्यूस और अ पर्टिकुलेट। अब मैटर क्या है, कंटिन्यूस में है या पर्टिकुलेट में है, वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि मैटर जो होता है उसको हम माइक्रोस्कोपिक व्यू देखेंगे तो वो कैसे दिखता है। कुछ इस प्रकार का दिखता है, जैसे आप इस सर्कल में देख रहे हैं। फिर मैटर इज़ अ पर्टिकुलेट इन नेचर। अब देखो, इसमें लिखा हुआ है कि मैटर जो है वो पर्टिकुलेट इन नेचर, नेचर में वो पर्टिकुलेट होता है। दिस मीन्स, अब पर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है? दिस मीन्स दैट मैटर कंसिस्ट ऑफ अ पार्टिकल एज यू कैन सी इन द माइक्रोस्कोपिक इमेज ऑफ अ क्यूब एबव। अब क्या है कि आप इसमें देख रहे हो कि जो पार्टिकल इसमें कंसिस्ट हैं माइक्रोस्कोपिक व्यू में, जो आप इमेज में देख रहे हैं, वो एक्चुअली में होते हैं उसमें। ठीक है, वो एक्चुअली में उसमें होते हैं। तो अब इसमें देखो, अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं पार्टिकल ऑफ मैटर के, वो कैरेक्टरिस्टिक हम देख लेते हैं एक बार। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव थ्री कैरेक्टरिस्टिक। पहला कैरेक्टरिस्टिक में ये है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स जितने भी होंगे उसमें क्या होगा, कोई ना कोई स्पेस, कुछ ना कुछ स्पेस तो होगा ही होगा। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग ऑल द टाइम। पार्टिकल जो है एक जगह कॉन्स्टेंट नहीं रहते, वो इधर उधर मूव करते रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जितने भी पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से अट्रैक्ट भी होते हैं। तो ये हो गए हमारे कैरेक्टरिस्टिक। अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, क्या अब ये क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे कि क्या पार्टिकल्स जो हैं वो कंटिन्यूसली मूविंग मूव करते रहते हैं, कभी रुकते नहीं है? तो इसका आंसर हमें इस में मिलेगा। जैसे आप देख रहे हैं डायग्राम में कि पार्टिकल्स का उसका डायरेक्शन इधर उधर दे रखा है, हर पार्टिकल्स का डिफरेंट डायरेक्शन है, तो वो कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं कि नहीं करते वो देख लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। पहले तो यहाँ से हमें आंसर पूरा क्लियर हो जाता है, बट क्यों मूव करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन मोशन ऑल द टाइम, हैंस दे पॉजेस काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, वो हमेशा मोशन में होते हैं क्योंकि उसमें एक काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन, मोशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से वो मोशन करते रहते हैं हमेशा।
The particles of matter intermix on their own with other particle of matter. पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं, जो मैटर के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, वो एक दूसरे से मिक्स होते रहते हैं अपने आप. उनको कोई अलग से जरूरत नहीं पड़ती किसी चीज़ की. फॉर एग्ज़ाम्पल, सॉल्ट इन वाटर. अब आप देख सकते हैं, वाटर में अगर हम सॉल्ट को मिक्स करते हैं तो हमें उसे अगर थोड़ी देर हम रखें तो उसको हमें घोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक्स्ट्रा फोर्स या एक्स्ट्रा वर्क लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. अपने आप थोड़ी देर में वो पानी के अंदर घुल जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा इसके अंदर सॉल्ट मिला हुआ है. वेरियस गैसेस इन द एयर. आप डिफरेंट गैसेस अगर आप देखते हैं कि आप कोई भी गैस रिलीज़ करिए एयर में, तो वो गैस आपको दिखेगा नहीं, वो क्योंकि वो पार्टिकल्स में मिक्स कर जाते हैं, एयर के साथ मिक्स कर जाते हैं. इंक इन वाटर. वाटर के अंदर भी देखो, बस यहाँ ये होता है कि आप कलर चेंज देखोगे वाटर का, बट वो मिक्स ज़रूर हो जाता है. अब डिफ्यूज़न, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स टूगेदर इज कॉल्ड डिफ्यूज़न. डिफ्यूज़न का मतलब क्या है कि उस प्रोसेस को हम डिफ्यूज़न बोलते हैं जब कोई दो डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उनको मिक्स करने के प्रोसेस को हम डिफ्यूज़न बोलते हैं. डिफ्यूज़न बिकम्स फास्टर ऑन हीटिंग. अब जब हम किसी चीज़ को अगर हीट करें, हीट करते समय अगर डिफ्यूज़न करें तो बहुत ही फास्ट होता है. तो अब क्या है इसमें, व्हाट इज़ द साइज ऑफ दीज पार्टिकल्स. अब साइज़ ऑफ दीज पार्टिकल्स, अब हमें पता है कि पार्टिकल्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से टाइप्स के होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, पर इसमें अभी हमें ये पता करना है कि कितने साइज़ के हमारे पास पार्टिकल होते हैं. तो द साइज़ ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज़ वेरी स्मॉल. जो पार्टिकल्स का, मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, उसका जो साइज़ है बहुत स्मॉल होता है. दे कैन बी ब्रोकन इंटू फर्दर पार्टिकल्स एज वेल. वो अब छोटे भी होते हैं, अब इतने छोटे भी होते हैं, फिर भी वो डिफरेंट पीसेस में ब्रोक कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑन डाइल्यूशन ऑफ अ कलरफुल सॉल्यूशन एज ऑन इन द फिगर. आप देख सकते हैं ऊपर जो फिगर दिया हुआ है उसमें देख सकते हैं, जैसे कि इस ये हमारा 100 ml का एक सॉल्यूशन था जिसमें हमने 10 ml का कुछ मिक्स किया, एक सॉल्यूशन मिक्स किया. अब देखिए हमारे पास सॉल्यूशन पिंक कलर का हो गया, फिर हमने उससे सॉल्यूशन लिया 10 ml, फिर उसमें नेक्स्ट वाले में सॉल्यूशन में मिक्स किया तो और ज़्यादा पिंक हो गया, फिर और सॉल्यूशन उधर से लिया तो इसमें हल्का पिंक हो गया. मतलब इसमें क्या है कि आप देख सकते हैं, वी स्टिल सी द कलर. दिस मीन्स देयर आर मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द कलर व्हिच जस्ट डिवाइड देमसेल्फ ऑन डाइल्यूशन. डाइल्यूशन हम जैसे जैसे करते जाते हैं वो अपने आप को डिवाइड करता जाता है. पार्टिकल क्या है, मिक्स होते हैं या अपने आप को ब्रोक कर लेते हैं, तो इसकी वजह से हमें कलर डिफरेंट दिख रहा है. इस डायग्राम में देख सकते हैं आप, विच ऑफ दीज इज मैटर. अब इसमें मैटर कौन सा है, हैप्पीनेस, एयर, सैंडविच, थॉट्स, जूस एंड इरेजर. एयर, सैंडविच एंड इरेजर एज दे हैव मास, दे ऑक्यूपाई स्पेस, कैन बी ब्रोकन इंटू फर्दर पार्टिकल्स. कहने का मतलब ये है कि जितने भी हमारे फीलिंग्स है, जैसे इसमें हैप्पीनेस है, थॉट्स है, ये सारे क्या हैं, फीलिंग्स हैं. इसका तो हम मैटर का नहीं बोल सकते कि इसमें पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, बट हाँ अगर देखा जाए सैंडविच, जूस एंड इरेजर, एयर, ये सारे क्या हैं, इसमें क्या है, मास होता है, कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो ये अपने आप को, अपने पार्टिकल्स को ब्रोक भी कर सकता है, राइट. नेक्स्ट है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर कैसे, हम इसका अब आंसर हमें यहाँ पे मिलेगा. द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज हेल्ड टुगेदर बिकॉज ऑफ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम. पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो हमेशा अपने आसपास के जो अट्रैक्शन की वजह से जो फोर्स होता है, अट्रैक्शन की वजह से जो फोर्स होता है, उसकी वजह से हमें पार्टिकल्स जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं. द अमाउंट ऑफ दिस फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स varies in different form of matter as shown in the figure below. The amount of this force, अब इसका जो फोर्स लगता है बिटवीन पार्टिकल्स में, वो डिफरेंट फॉर्म में होता है. आप ये नहीं बोल सकते कि अगर एक मैटर में लिमिटेड अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है तो दूसरे मैटर में ही सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा, नहीं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. डिफरेंट मैटर या डिफरेंट मैटर पार्टिकल्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फोर्स लगते हैं.
ठीक है, सॉलिड हैव द हाइएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज़ वाई वी कैन नॉट मूव अ हैंड थ्रू द सॉलिड ऑब्जेक्ट, द पार्टिकल आर ऑल्सो टाइट बाउंड। अब सॉलिड एक ऐसा मैटर है, उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही टाइटली बाउंड होते हैं, तो उसमें अगर हम हाथ डालें, सपोज दैट एक आइस है, आइस में आप हाथ कैसे घुसाओ आइस में, क्योंकि वो आइस क्लोजली पैक्ड होते हैं, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो उसको हम मूवमेंट में नहीं ला सकते जल्दी। सिमिलरली पार्टिकल्स ऑफ गैसेस हैव द लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दैम, वी कैन मूव आर हैंड ईजली इन द एयर, कैंट बी दस बिकॉज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एयर आर लूजली बाउंड। अब आप देख सकते हैं कि एयर में हम अपना हाथ आराम से यहाँ वहाँ मूवमेंट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं और फ्रीली टू मूव होते हैं, तो इसलिए हम उसमें क्या है कि अपना हैंड है जो वो ईजिली मूव कर सकते हैं। वी कैन अरेंज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब हम क्या करेंगे कि अरेंज करेंगे कि सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स किस में होता है, सबसे कम किस में होता है, मीडियम किस में होता है। वी कैन ऑल्सो मूव आर हैंड थ्रू वाटर, वाटर में भी हम अपने हैंड मूव कर सकते हैं, क्योंकि उसके भी जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा सा क्लोजली पैक नहीं होते, फ्रीली टू मूव हेयर एंड देयर, बट एयर से थोड़ा कम और सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा। तो अब हम देखते हैं डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि एक्चुअली में सॉलिड में कैसे होते हैं पार्टिकल्स, लिक्विड में कैसे होते हैं पार्टिकल्स और एयर्स में कैसे होते हैं। चलिए आप इस डायग्राम में देख सकते हैं सॉलिड में बहुत ही क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स हैं, ब्लू एंड रेड कलर के पार्टिकल्स आपको दिख रहे होंगे, तो इसमें क्या बहुत ही क्लोजली पैक है। अब इसमें अगर आप हैंड को मूवमेंट में लाओगे तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बिकॉज इसके जो पार्टिकल्स हैं उस वो हमारे हाथ को ही वो कैच कर लेगा, वो इधर उधर मूवमेंट करने ही नहीं देगा। आप इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट डालोगे तो वो उधर ही एज अ कॉन्स्टेंट उधर ही रहेगा, मूव नहीं कर पाएगा। अब इसी के कंपेयर में देखो लिक्विड में, लिक्विड में क्या है कि जो पार्टिकल्स है वो थोड़ा सा गैप में है, इनका अट्रैक्शन जो है वो थोड़ा कम है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, फ्रीली टू मूव हेयर एंड देयर। एग्जाम्पल के तौर पर आप वाटर ले सकते हैं। अब नेक्स्ट देखें, कंपेयर करें गैस के साथ, तो गैस में जितने भी पार्टिकल्स हैं बहुत ही दूर दूर हैं, इसमें आप कोई भी चीज़ जैसे आप हाथ हवा में हिला के देख सकते हैं, कोई भी हमें मुश्किल नहीं आती हिलाने में। तो यही चीज़ है डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर का, और ये जो पार्टिकल्स हैं उनके कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इस डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ मैटर। अब आप जैसे मैंने इस डायग्राम के थ्रू बताया कि स्टेट ऑफ मैटर तीन टाइप्स के हैं इसमें, पहला कौन सा है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो क्या है कि हमें अब इन तीनों को अलग अलग पढ़ना है कि एक्चुअली में सॉलिड होता क्या है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, तो हम इनको आगे फर्दर पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।